हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आप आए दिन मटर पनीर की सब्जी खा खा के थक गए होंगे, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है कढ़ाई पनीर, जो कि खाने में और दिखने में दोनों में ही बहुत लाजवाब लगती है। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लगभग 200 ग्राम पनीर लिया है, एक बड़ी शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है, एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने क्यूब कट करके रखा हुआ है, दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, लगभग 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं। कड़े मसालों में मैंने लिया है 1 तेज़पान का पत्ता, 1 दालचीनी, 5 से 7 काली मिर्च, 1 लौंग, आधी चम्मच जीरा। मैंने यहाँ कढ़ाई में सबसे पहले 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये प्याज। इसमें मैंने सबसे पहले डाला है प्याज जिसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाएंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही चलाना है। देखिए अब ये लहसुन और प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर ये टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इस स्टेज पर हम 1/2 स्पून नमक भी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और 1/2 स्पून नमक हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए अब हमारे प्याज और टमाटर को पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये अब मैंने प्याज और टमाटर को इस प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कढ़ाई पनीर की दूसरी तैयारी करेंगे। ये मैंने कुछ क्यूब्स काटे थे, एक शिमला मिर्च और बड़ी साइज प्याज के, तो अब हम इसे इस ऑयल में फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और लगभग इसे 1 मिनट तक चलाएंगे और ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम इसमें ये शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए हमारी शिमला मिर्च और प्याज को लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये अब मैंने इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लिया है। अब हम ये पनीर के क्यूब्स को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से इसे हिलाएं। देखिए हमारा पनीर कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी किसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैंने पनीर को क्यूब्स को भी इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमारा ये प्याज और टमाटर जो है वो ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे भी मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम हमारी ग्रेवी को मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। अब हम हमारी इस ग्रेवी को स्टील की छलनी में छान लेंगे ताकि इसके अंदर टमाटर और अदरक के जो भी रेशेज हो वो ऊपर ही रह जाए और नीचे हमारी बारीक ग्रेवी बने। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमें इसे छानने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमने हमारी ग्रेवी को अच्छे से छान लिया है और अदरक और टमाटर के जो भी रेशेज थे वो ऊपर रह गए हैं। देखिए अब मैंने उसी कढ़ाई में लगभग 1 बड़ा चम्मच और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम ये सारे खड़े मसाले डालेंगे और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे ऐसे ही चलाएंगे। हमारे खड़े मसाले लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पर इसमें ये ग्रेवी ऐड करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी को लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं तेल में फ्राई होते हुए। अब हम इस स्टेज पर
इसके अंदर ये सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने लिया है लगभग 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक, क्योंकि हमने आधी चम्मच नमक पहले से ऐड कर रखा है, और 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया। इन सब को हम इसके ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इस मसाले को लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि ये ऑयल इस ग्रेवी के अंदर से सेपरेट ना हो जाए। देखिए हमारा ऑयल मसाले से सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम 1 चम्मच कुकिंग क्रीम या घर के दूध की फ्रेश मलाई का यूज़ करेंगे, जो कि मुझसे स्किप हो गया है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे और उसे लगभग 1 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और इस स्टेज पे इसमें हम ये फ्राई की हुई शिमला मिर्च और टमाटर डाल देंगे। और ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाए, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी पकाया हुआ है। इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक ही पकाना है। अब इस स्टेज पे हम ये पनीर के क्यूब्स भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से हिला लिया है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर 1 ग्लास भरकर पानी डालेंगे। अब एक बार हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और लगभग 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमारी सब्जी को पकते हुए लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अभी मेरे पास कसूरी मेथी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। पनीर की सब्जियों में ऑलमोस्ट कसूरी मेथी ही डाली जाती है, क्योंकि उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा कढ़ाई पनीर सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर आपको मेरी ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाकर मेरे इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।